ये आज की दूसरी वीडियो। आप लोगों ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो, बाकी इस वीडियो को तो पूरा देख ही लेना क्योंकि तीन मेजर अपडेट है, आप लोग इन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी थी लेकिन वो फाइल थोड़ी सी दिक्कत देगी जिसके चलते अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले न्यूज की तरफ चलते हैं, तो वो है ट्रिगर्ड इंसान के रिगार्डिंग। ट्रिगर्ड इंसान ने ये बताया क्यों कई सारे आपके फेवरेट यूट्यूबर ये चीज बिल्कुल नहीं बताते कि वो कितना कमा रहे हैं और क्या है इसके पीछे का रीजन, आप खुद सुन लो। समझो यूट्यूबर्स अपनी इनकम क्यों नहीं बताते, उसका रीजन देखो, तुम्हारी नई नई नौकरी लगती है ठीक है, और तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आते हैं और वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने से पहले पूछते हैं और भाई कितना कमाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि भाई बधाई बाद में दी, भाई ने कॉन्ग्रेचुलेशन तक तो बोला नहीं, पहले पूछ लिया और भाई कितना कमाता है। अब ये रिसेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मेरा एक दोस्त है मुझसे चार साल बाद मिला, चार साल बाद मिलता ही मुझसे ये नहीं पूछता है और भाई क्या कर रहा है, कैसी चल रही है जिंदगी, काम वाम सब सही चल रहा है, मुझसे सीधा पूछता है भाई कितना कमाता है। तो उसने चार साल में तूने मेरे को एक मैसेज तक नहीं करा ठीक है, चार साल से हमारी बात नहीं हुई एंड तुझे सीधा ये जानना कि मैं कितना कमाता हूं। भाई नोबडी इज एवर कंफर्टेबल टेलिंग देयर इनकम, समझो तुम्हें, मैं समझता हूँ ऑडियंस को इसलिए जानना होता है कि कोई यूट्यूबर जिसको वो देख रहे हैं वो कितना कमाता है, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई अगर ये बंदा कमाता है मतलब हम भी कमा सकते हैं, समझ आता है। तो तुम ऐसे समझ लो कि हाँ वो कमा रहा है, अच्छा जितने ज्यादा सब्सक्राइबर जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा कमा रहा है। लेकिन कभी भी कोई अपनी सैलरी बताने में कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। एलविश यादव की तरफ से, एलविश यादव का जो व्लॉगिंग चैनल है उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है जिसके चलते उनकी 14 दिन के लिए अपलोडिंग रुक चुकी है। अब इसी के चलते उन्होंने दोबारा से अपने मेन चैनल पे व्लॉग्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं, साथ ही उन्होंने कुछ बोले आप लोग वो भी देख लो। करवा दो, तुम्हें पता नहीं ना मेरे साथ क्या हुआ भाई, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना मेरे साथ क्या चल रहा है जिंदगी में, तुम्हें दया आ जाएगी मेरे ऊपर, तुम कहोगे एल्विस भाई तुम कैसे निकल रहे हो इस काली अंधेरी दुनिया से। और ना सीरियस नोट, देखो मजाक की बात नहीं है, अभी मैं सारा टाइम मजाक करता रहूँ इसलिए मेरे को शायद कोई सीरियस नहीं लेता, बट इस टाइम पे ना मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हद से ज़्यादा जरूरत है। जो अपना ब्लॉग चैनल है ना उस पर अपलोडिंग बंद हो रखी है, एक हेट स्पीच की स्ट्राइक पड़ रखी है, एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ रखी है यूट्यूब की तरफ से, जिससे मैं 14 दिन तक अपलोड नहीं कर सकता, जो कि मुझे लग रहा है कि ये लग जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा अपना ब्लॉग चैनल, जो 4.5 मिलियन तीन साल की मेहनत थी ना मेरी, मतलब 3 साल की मेहनत है मेरी, वो एक एक बारी मैनू ख़त्म हो जाएगी। तो भाई मेरा आप सभी लोगों से, मैं देखो तुम लोग मेरे से प्यार करते हो मुझे पता है, बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत दिल से इज्जत भी करते हो, मुझे सारी चीज़ पता है और इस बात की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बस एक छोटी सी हेल्प और कर दो अपने भाई की। देखो अगर चाहो ना कि मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि यार अगर मेरा वो वाला चैनल उड़ गया ना, मेरी एक्टिव ऑडियंस सारी उसी पे है। और ये जो सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ क्रेजी दीप ने पहले ही कवर कर ली थी, जो मैंने आप लोगों को न्यूज़ में बता ही दिया था। तो आप लोग तभी बोलता हूँ आप लोग अप टू डेट रहा करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, प्रमोशन करना भी तो ज़रूरी है। अब आप संदीप महेश्वरी की बात सुन लो जो उन्होंने बताई है। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों को कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर कोई गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जैसे कि बैटिंग ऐप्स। सही और गलत के बीच के फर्क को समझो और जहां पर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है वहां पर अपनी आवाज उठाओ, बोलो, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और वो लोग जो एक के बाद एक गलत काम करते ही चले जा रहे हैं बिना किसी डर के, उनको भी समझ आएगा कि हम इतनी आसानी से बच करके नहीं निकल सकते हैं। बड़ा सिंपल आपको तरीका बताता हूं, ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अनसब्सक्राइब करने से, तो वहां पर कमेंट में जाकर के लिख दो अनसब्सक्राइब, चाहे नहीं भी कर रहे लिख दो। और अगर बहुत लोगों ने लिख दिया ना अनसब्सक्राइब, वो बंदा 1000 बार सोचेगा ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले, कि यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब, यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब, कर दो अनसब्सक्राइब। अगर एक्चुअल में थोड़े भी लोगों ने ऐसा किया ना और उसके 2-4 लाख भी कम हो गए, उसकी हवा निकल जाएगी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उनके लिए यही जीना मरना है, उनकी दुखती नस को पकड़ो ना सीधा जा करके, क्योंकि आजकल क्या है यूट्यूब पे डिसलाइक बटन भी नहीं दिखता है, तो बचा क्या, सब्सक्राइबर्स ही तो बचा रहेगा और कमेंट बचा रहेगा। तो अगर कमेंट में जा करके आप इस तरीके से करो और एक्चुअल में अनसब्सक्राइब करो, और अपने जो भी घर में हैं और लोग हैं उनको भी बोलो या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, आई जस्ट अनसब्सक्राइब्ड इट, व्हाटएवर, आई जस्ट अनसब्सक्राइब संदीप महेश्वरी बिकॉज उन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर दिया। सर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। सच बोलने के लिए, जैसे आप बोल रहे हो खड़े होने के लिए वो होंगे, राइट, सच बोलने के लिए डरना नहीं है, चाहे सामने मैं हूं चाहे कोई भी है, ध्यान से समझ लो, यही भगवद गीता का सार है। और अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से मिलूंगा कल की वीडियो के अंदर, इतना आप लोग चैनल पे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो अगर नहीं देखी तो, और देखी तो बता देना कि इस तरीके की 2 वीडियोस चाहिए या कंबाइन एक ही के अंदर कर दूँ थोड़ी बड़ी वीडियो।